नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटे दम आलू, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और सबके फेवरेट भी होते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप इसे रोटी, पराठे, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये 15-20 मैंने छोटे आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया है एक सीटी लगा के, ज़्यादा नहीं उबालना है इसको। और ये मैंने आधी एक कटोरी दही ली है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये दो प्याज लिया है, इनको बारीक पीस लिया है मैंने। और ये मैंने एक चम्मच सौंफ ली है, दो इलायची ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, तीन चार लौंग ली है, 10 बार काली मिर्च ली है। और ये मैंने साबुत धनिया लिया है एक चम्मच, आधी चम्मच जीरा लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है, ये हींग ली है मैंने, ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, और ये हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। तो सबसे पहले हम आलू में छेद कर लेंगे एक फोक की सहायता से, इस तरह से। आलू को फ्रेंड ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ एक सीटी लगा के इसका प्रेशर निकाल देना है। और हमें इसे छोटे आलू ही यूज़ करने हैं इसमें, उससे ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। हमने सब आलू में छेद कर लिए हैं। अभी हमने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए फ्लेम हमें लो रखनी है खुशबू आने तक। इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं बर्तन में, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे आलूओं को। ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, इसमें एक एक करके डालेंगे आलू को। अब इसे हम दो बार में तलेंगे, एकदम से सारे आलू ना डालें। फ्लेम को हमें इस टाइम पे हाई कर देना है। इसमें अच्छा ब्राउन कलर आ जाए तब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये बहुत अच्छी तरह से। बाकी के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई ही रखना है। ये सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। और फ्रेंड्स हम ये रिफाइंड ऑयल निकाल दिया है हमने। अब हम दही में ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे एक चम्मच, और जो ये मसाला पीसा था इसको भी हम डाल देंगे, ये 1.5 चम्मच डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसका एक मिश्रण बना लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे। फ्रेंड दही थोड़ी सी हल्की सी खट्टी होनी चाहिए। ये बना लिया है हमने। ये मैंने सरसों का तेल डाला है, मैंने रिफाइंड ऑयल निकाल दिया था। अब इसमें हम एक प्याज ये प्याज डाल देंगे, प्याज का पेस्ट, अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। फ्लेम को इस टाइम पे मीडियम कर देंगे। और एक चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका लहसुन का भी कच्चापन निकल जाए। अब ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें 1.5 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसे डालने से फ्रेंड्स इसका कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी भी नहीं होती बिल्कुल। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, हमें भूनना है। फ्लेम को हमें मसाले डालते वक्त बिल्कुल लो कर देनी है। अब ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब जो हमने दही का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे अच्छी तरह से।
इसको भी बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, लगातार चलाना है क्योंकि हमने दही डाली है ये। इस टाइम पे इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इसे इस तरह चलाइए। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे हम, इसे 3-4 चम्मच हमने पानी डाल दिया है इसमें। इस तरह अच्छी तरह से चलाते रहिए मसाले को। जितना अच्छा से मसाला चलाएंगे फ्रेंड्स, उतनी अच्छी सी सब्जी बनेगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तेल अलग होने लग गया है, मसाला बहुत बढ़िया भुन गया है ये। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, 1 कप के करीब पानी डालेंगे पूरा। थोड़ा बाद में डालेंगे ये, हम पूरा 1 कप पानी डल जाएगा इसमें। अब इसमें हम ऊपर से हींग भी डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स। हींग इसी टाइम पे डालना, इसमें बहुत ज़बरदस्त सब्जी बनेगी। अब इसको हमने 3-4 मिनट के लिए ढक दिया था। ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुका है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। हींग की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें हम आलू डाल देंगे फ्रेंड्स। इसमें आप हींग इसी तरह से डालना, ऊपर से मसाले के साथ नहीं भूननी है। इस तरह से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आधी चम्मच डाली है हमने काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है, बिल्कुल काली मिर्च का ही पाउडर यूज़ किया है। अब इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। अभी हमने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है 2 बार में करके। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, इसे हमने एक सर्विंग बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम हरा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे इसकी। बहुत ही बढ़िया बनी है और बहुत ही खुशबू आ रही है। अब मैं इसको काट करके दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। चटपटे दम आलू बन करके एकदम तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे पराठे, नान, चपाती से खाएं, ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और आप इसमें आप छोटे आलू ही यूज़ करें, उससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।